हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। और आज के इस वीडियो में मैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट आई है उसके बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की टोटल पोस्ट 312 है और इसमें जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट पोस्ट आई हुई है स्केल 1 की। तो वैकेंसी के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताऊंगी। पूरा फुल एडवर्टाइजमेंट तो आपको खुद पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दिए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करिए। तो वैकेंसी देखिए, इसमें जो आई है कंपनी सेक्रेटरी की है, लीगल है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, जर्नलिस्ट है। टोटल पोस्ट इज 312 और यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बाइफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको ध्यान में रखना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 दिसंबर से शुरू हो चुका है और अप टू 26 दिसंबर है, मीन्स लास्ट डेट इज 26 दिसंबर। ये एग्जाम दो फेजेस में होगी। एक फेज वन ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव मोड है, एंड सेकेंड फेज ऑनलाइन एग्जाम ही होगा बट ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है। और डेट भी दिया हुआ है, दिस फेज वन के लिए 30 जनवरी 2019 दी हुई है, एंड फॉर फेज टू ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होगी वो 2 मार्च 2019 है। फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में ही भरना है और किसी मोड में, मींस ऑफलाइन हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है कहीं पे, ऑनलाइन मोड ही आपको सबमिट करना है। आगे की कुछ डिटेल्स हम देखते हैं। जो सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जनरलिस्ट पोस्ट के लिए एंड स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या दी गई है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60 मार्क्स, ठीक है, फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 55 मार्क्स फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो सिंपल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। उसी तरह से स्पेशलिस्ट के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए दिया है ACS और FCS फ्रॉम ICSI। लीगल के लिए भी दिया है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 60% होना चाहिए, एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और ICAI, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, MBA फाइनेंस और MCOM विद मिनिमम 60%। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। साथ में आप एक चीज़ यहाँ पे और देख रहे हैं कि गारंटी बॉन्ड भी दिया हुआ है कि आपको कंपनी जो है मिनिमम फोर इयर्स के लिए आपको सर्व करना है। अगर आप बीच में कभी टर्मिनेट करते हैं या छोड़ के जाते हैं तो आपको 25,000 टुवर्ड्स पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग पे करनी होगी। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स। तो देखिए, बेसिक पे होगा 32,795 और उसके साथ जो पर्क्स होते हैं, ग्रेचुटी, LTS, जो भी साथ में जो कैफेटेरिया मिलता है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और नेक्स्ट हम देखते हैं एज। तो मिनिमम एज दिया है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज दिया है 30 ईयर्स एज ऑन 1/12/2018 डेट दी हुई है। रेकनिंग डेट है 1 December 2018। तो मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स, इसके ऊपर आपको एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेगा। एज रिलैक्सेशन देखिए यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स। तो इस तरह से यहाँ सारा दिया हुआ है। तो आपको साइट पे सबसे पहले विजिट करना है और उसके बाद डाउनलोड करना है ये एडवर्टाइजमेंट और इसको थॉरली पूरा पढ़ना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें दी हुई है। तो अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या दिया है कि एक फ़ेज़ वन होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इससे पहले भी बताया था, और फेज़ टू होगा जो मेंस एग्जामिनेशन है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 100 मार्क्स के लिए होगा और 3 सेक्शंस होंगे। इसके पैटर्न को मैं बताती हूँ अभी। प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स एंड वर्जन इंग्लिश, इसी तरह से रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इनके मार्क्स गिवन है, मतलब टोटल मार्क्स है 100। देन इसमें से जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे ऑब्जेक्टिव प्रिलिमिनरी एग्जाम से, तो उनको मेन एग्जाम में चांस दिया जाएगा। तो मेन एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 मार्क्स का होगा एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 30 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों ही क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो 200 मार्क्स का, उसमें टेस्ट के जो टॉपिक्स है, सीक्वेंस है, वो देखिए, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और रीजनिंग से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप वो रेफर कर सकते हैं क्योंकि रीजनिंग में जो
टॉपिक्स हैं वही उसी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो जर्नलिस्ट के लिए था। फॉर स्पेशलिस्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में देखिए, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और उनके डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के क्वेश्चंस होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका 120 मिनट का होगा एंड फॉर 200 मार्क्स। देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट्स के होंगे विद 30 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा, जैसे लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, एसे 20 मार्क्स, और इंग्लिश में ही होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैटर्न आपने जान लिया, अब कुछ ज़रूरी बातें और मैं बताऊंगी। फेज़ वन एंड फेज़ टू तो हमने देख लिया। फेज़ थ्री देखिए, इंटरव्यू है, जो फेज़ टू में सिलेक्ट होंगे उनको देन फेज़ थ्री में बुलाया जाएगा है। और जो वेटेज दिया है ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू का है वो 80:20। ठीक है, तो इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन है, मतलब ये तीन फेजेस में ये टेस्ट होंगे। देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे देना है। और एप्लीकेशन फ़ी देखिए, एप्लीकेशन फ़ी है ऑनलाइन फ्रॉम 10/12 to 26/12 पे करना है। SC/ST/PWD ₹100 एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स क्या है ₹600 इंक्लूडिंग चार्जेस एंड ऑल। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे दिया हुआ है फेज़ वन के लिए एंड फेज़ टू के लिए, और ये टेंटेटिव है। तो देखिए, लगभग तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट में सेंटर्स हैं और स्टेट के भी सिटीज़ दिए हुए, जैसे अंडमान एंड निकोबार है तो पोर्ट ब्लेयर में हो सेंटर होगा, आंध्र प्रदेश के कुछ दिए हुए सेंटर्स, तो ऐसे टेंटेटिव सेंटर्स दिए हुए ऑलमोस्ट इन ऑल स्टेट। एंड फेज़ टू जो आपका होगा मेन एग्ज़ाम, उसमें भी स्टेट्स दिए हुए हैं एंड देयर सिटीज़ कि सेंटर कहाँ पर होंगे। देखिए, तो एप्लीकेशन आपको फिल करना है तो उसके पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको http://newindia.co.in इस साइट पर विजिट करना है और उसमें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देन इसमें सारे प्रोसीजर दिया हुआ है, और जो प्रोसीजर है वो पहले तो रजिस्ट्रेशन एंड देन पेमेंट ऑफ फीस एंड डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड सिग्नेचर फोटो, ये सारा कुछ आपको अपलोड करना है। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ एक फॉर्मेट दी हुई है सर्टिफिकेट, जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है क्लेम करने के लिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो ऐसे फॉर्म्स भी नीचे में दिए गए हैं जो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको सबमिट करने होंगे और इसी फॉर्मेट में करने होंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो भी पॉइंट्स दिए उसको आप फॉलो कीजिए वाइल फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन। और मैंने तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये एडवर्टाइजमेंट पूरे साइट पे जाके फुल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है, ठीक है, और उसको अच्छे से रीड करनी है। तो मेरा ये एडवर्टाइजमेंट जो मैं यहाँ पे अपने चैनल पे डालती हूँ, तो इसका पर्पज ये है कि आपको रिक्रूटमेंट से अवेयर कराऊँ, ताकि आपका कोई भी फॉर्म मिस ना हो। इफ़ यू आर एलिजिबल तो वो फॉर्म आप ज़रूर भरें, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, पसंद आया तो लाइक करें, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही रिक्रूटमेंट के बारे में पता चलेगा और जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसके इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।